एजेंसी के साथ उन्होंने ये दिया था कि प्याऊ में ऐसे ही पानी मिला जाएगा, सदर बाजार में जाएंगे वहाँ भी प्याऊ के ऐसे ही पानी मिला जाएगा, गिलास नहीं रखते हैं, गिलास रखते हैं और पीते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए कि वो उसके पीछे साइंस था कि आपकी बॉडी में अड़ने के जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना था उसमें भी वो शामिल, तो बहुत अच्छी बात हो गई है। कहते हैं कि आप भगवान को अगर पेट में पानी ऐसे ही डालना था अगर सीधा होकर तो वो यहाँ पर बना यहाँ पे नहीं बना था कि हम लोग जबरदस्ती ऐसे करके मिले वो गलत है, ठीक है। तो पानी सिर्फ सिर्फ करके पीना है, उसका एक और बड़ा फायदा है कि आपका जो सलाइवा है वो पानी के साथ मिक्स होकर जाएगा। तो आपका जो सलाइवा क्या है, एल्कलाइन है। आपका जो पेट में एसिड है वो एसिडिक है, तो एसिडिक और एल्कलाइन जब मिक्स हुए तो न्यूट्रल पेट आपका न्यूट्रल रहेगा जब आपका पानी के साथ सलाइवा मिक्स होकर बार बार अंदर जाएगा, क्योंकि तो सलाइवा इसे मेडिसिन लार जो हमारी होती है वो मेडिसिन है बहुत बड़ी, जिसका थोड़ी देर में जिक्र करूंगा, ठीक है। पानी हमेशा सिर्फ सिर्फ करके पीना है जिससे कि आपको पेट की प्रॉब्लम्स कम हो और मोटापा भी कम हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी। तो आपको ये दो नियम होंगे, खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पीना और सिर्फ सिर्फ करके पानी पीना। तीसरा नियम, पानी जब भी पीना है कितनी भी प्यास लगे ठंडा नहीं पीना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। फ्रिज का ठंडा मीन्स फ्रिज का बर्फ मिला पानी नहीं पीना है। रीजन, जिसको भी पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, कॉन्स्टिपेशन ये सब प्रॉब्लम्स कर रही हो ठंडा पानी जरूर पिए, लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। इसका रीजन है आपका बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी का आइडियल टेम्परेचर है, आप उसे कम का कुछ पिएंगे तो क्या होगा, वो उस आइडियल टेम्परेचर पे उस पानी को लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, ब्लड ब्लड की जरूरत पड़ेगी उसको बॉडी टेम्परेचर पे ठंडे पानी को, पेट में जो पानी गया है इसको लाने के लिए। अब ब्लड कहाँ से आएगा, पेट के पास ब्लड कम है, कभी आपके पैरों से आएगा, कभी हार्ट से आएगा, कभी आपके हाथों से आएगा, कभी ब्रेन से आएगा। तो जब ये लॉन्ग टर्म में सालों साल हम ये गलती करते रहे, ठंडा पानी बार बार पिया, उसने फिर उसको बॉडी टेम्परेचर लाया, फिर ठंडा पानी चिल्ड पानी पी लिया, फिर बॉडी टेम्परेचर लेकर आया, तो क्या हुआ, आपकी उस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर क्या होगा, पैरालिसिस, पैरालिसिस होगा, ब्रेन में कम होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक भी होगा। और आप देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कई सारे रोगों का कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। यूरोप और अमेरिका में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जब किसी के एक्सीडेंट में डेथ होती है उनके जब पोस्टमार्टम होते हैं तो 20-25 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन का सारा एक्ट्रेस निकलता है। क्यों, क्योंकि मैदा वो चिल्ड पानी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक सब कुछ चिल्ड पीने की उनको बहुत आदत है। इसीलिए हमारे देश में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि हम लोग अगर चिल्ड पीने की कोशिश करते हैं तो सबसे बढ़िया क्या है, पानी का मटका, मिट्टी का मटका सबसे बढ़िया। अभी सर्दियों का टाइम आ गया, आपको मैं बताऊंगा पानी किस बर्तन में पीना चाहिए, उसके ऊपर भी घंटे बोल सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है सर्दियों का शुरू हुआ है, ये आयुर्वेद के अनुसार सोने के बर्तन में पानी पीने का टाइम है। लेकिन सोने के बर्तन कहाँ से लाएंगे, तो नहीं ला सकते। आप जो भी बर्तन में पानी पी रहे हैं उसमें सोने की कोई चीज डाल दीजिए, तो जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए वरदान है, बहुत बड़ा एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए वरदान है। कफ को कंट्रोल करता है सोना, गोल्ड जो है कफ को कंट्रोल करता है। तो हमारे पूर्वजों की इंटेलिजेंस का एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ पर सोना पहनने की जितनी भी पद्धति है वो सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक ही सोना पहना जाता है, उससे नीचे सोना नहीं पहना जाता, नीचे चांदी के पहने जाते हैं। इसका रीजन है कि कफ, क्योंकि कफ सोना कफ को कंट्रोल करता है तो उसके सोने के आभूषण इस एरिया में ही पहने जाते हैं, इससे कफ कंट्रोल में नहीं। इतने इंटेलिजेंट थे हमारे। तो आपको समझना होगा कि अगर आप सोने के कुछ चीज डाल देंगे उसमें पानी में तो उसकी तासीर ऐसी हो जाएगी कि आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी और अगले साल से रेडिकेट हो जाएगी। सर्दी सर्दी की बात मैं कर रहा हूँ, जनवरी तक, जनवरी तक भी कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी आपको पीना है वो ठंडा नहीं पीना, ठंडा रूम टेम्परेचर का पानी पीए, प्रैक्टिकल ठंडा पानी पी नहीं,
बर्फ मिला है, ये फ्रिज जो है ये पानी रखकर पीने के लिए नहीं बनाया, पानी पीने के लिए नहीं बनाया गया, ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी जिसको हमारे यहाँ पर ऑब्सोलीट तो नहीं कह सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको उसका रूप बदल कर हमारे देश में भेजा गया। मतलब यूरोप में जब इतनी ठंड पड़ती है -20 डिग्री टेम्परेचर -10 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है तो कई मेडिसिन जो है वो माइनस टेम्परेचर में खराब हो जाती है, तो एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है जहाँ पर उनकी दवाइयाँ ठीक रहे, तो उन्होंने फ्रिज इन्वेंट किया, रेफ्रिजरेटर इन्वेंट किया, तो हम लोगों ने क्या किया उसमें पानी रखा के पीना शुरू कर दिया, उसमें एक हफ्ते की सब्जी रख करके खाना शुरू कर दिया, एक हफ्ते की सब्जी के साथ ताजे रखते हैं और खाते हैं, ये हमारा जो बिगाड़ है उसको नकल सिर्फ की, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं दिमाग लगाया कि एक्जैक्टली ये है किस लिए, जो डाइनिंग टेबल भी इसका बहुत बड़ा है, हम किसने डाइनिंग टेबल लाते हमें भी नहीं पता, दूसरे घर में था तो हमारे घर में भी है, उसका साइंस क्या है हमें भी नहीं पता, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, तो आपके स्कूल में अगर कोई ठंडे पानी की व्यवस्था है बच्चों को थोड़ा ऐसा कर दीजिए, मैं सर से बात करूँगा, तो थोड़ा अगर काम हो तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ऐसी प्रॉब्लम है, हम लोग आर्थराइटिस का इलाज करते हैं 100% इलाज करते हैं, इसमें आर्थराइटिस हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं, लेकिन हमारी शर्त होती है कि पहले आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि जिसको आर्थराइटिस है उसका कॉन्स्टिपेशन में कभी आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, शर्त है हमारी, क्यों, क्योंकि उसी के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा आर्थराइटिस नहीं करना है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं करना, कॉन्स्टिपेशन नहीं करना तो ठंडा पानी नहीं पीना, इतना इंपॉर्टेंस है, तीन नियम होंगे चौथा नियम, सुबह सुबह उठते ही कितने लोग पानी पीते हैं, अच्छा बिना बिना कोला के कितने लोग पानी पीते हैं, बिना मतलब तो बिना, देखिए आप लोग पानी पीते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग बिना सोचते गुड़ा के पानी पीते हैं और अच्छी बात है, जो लोग नहीं पीते हैं वो पीना शुरू कर दीजिए, क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब आप रात भर आप सोचते हो उसको खुला करने की कोशिश क्यों करते हैं, मुंह से आप साफ करके आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, बासी बासी लग रहा है, मुझे फिर बासी लग रहा है, पहले खुला रहना फिर कुछ खाऊ, लेकिन उनको एक चीज नहीं पता कि ये बासी में है किस चीज़ का, आप जब रात भर सोते हैं तो 1,00,000 ग्रंथियां हैं हमारे मुंह में जो लार बनाने का काम करती है, सलाइवा बनाने का काम करती है, जो तब भी जारी रहता है, चालू रहता है जब आप सो रहे होते हैं, तो रुकता नहीं है, क्योंकि मुंह में जो है हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तो वो जो आप जब पूरे दिन रात आप सोए तो वो लेयर्स बन जाती है सलाइवा, वो लेयर्स जो है उसी से आपको लगता है कि वो बासी बन लगता है मुंह में, जिसको आप खुला करके साफ करना चाहते हैं, एक्चुअली दैट इज मेडिसिन जो आपकी बॉडी ने लाफर बनाई जिसको आप फेंकना नहीं, उस मेडिसिन का इतना गुण है जो अब मैं उस बात करूँगा कि सलाइवा के क्या गुण है, वो इतना बड़ी मेडिसिन है कि जैसे मेरे स्पेक्स लगे हुए पिछले 5 साल से मैं रोज अपने सुबह सुबह का जो बासी जो सलाइवा है उसको अपने आँख में लगाता हूँ, क्यों, आप जिस दिन ये लगाएंगे ना आप देखेंगे आपकी आँखों में इतना सारा जो कचरा निकलेगा, जो कफ है ना इतना सारा निकलेगा कचरा बहुत, तो आपकी आंखों के अंदर क्लेंसिंग होती है उसकी, तो आपकी आंखें हेल्दी बनती है, इतनी बड़ी मेडिसिन है, अगर आपकी कहीं कोई पिंपल है फोड़ा कुछ भी है कोई स्किन की प्रॉब्लम है एक्जिमा सोराइसिस ये प्रॉब्लम तक अगर आप सुबह सुबह अगर सलाइवा आप लगाएंगे उसके ऊपर वो ठीक कर देगा, कोई क्रीम लगाने की जरूरत, डार्क सर्कल फेयर एंड लवली से बहुत बड़े होती है, हाँ आप करके देखिएगा डार्क सर्कल्स सलाइवा है बासी को ठीक करने की बहुत अद्भुत क्षमता है इसके अंदर, तो इतनी बड़ी मेडिसिन को हमको फेंकना नहीं है, हमको उसको क्या करना है सुबह सुबह पानी पी के पेट में लेकर जाना है, जहाँ लगाना है वहाँ लगा दिया और उसके बाद पीने के बाद पेट में गए तो क्या होगा, जो दिन भर आप सलाइवा लेकर जा रहे हो पानी के साथ वो एक तरफ, सुबह सुबह आपने ये पिया ये एक तरफ, इतना गुण है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग सुबह सुबह उठते ही पानी पीजिए, इसीलिए सुबह सुबह उठकर नियम बनाया गया है उठने के पानी पीने का नियम बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन गिवन द कंडीशन कि आप रात में नाक साफ करके सोए, ठीक है, रात में किसी ने आलू पराठे खाए सोए तो सुबह सुबह आलू पराठे नाक पे लगे,
इसलिए आपको ये वो चीज ध्यान रखनी है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको बोलते हैं कि टूथपेस्ट मत करिए कभी भी। हाँ मैं बात बात पहले पानी के नंबर में देता हूँ, आपके सवाल जवाब के लिए पंद्रह मिनट बचेंगे तो उसमें पंद्रह मिनट में सब सवाल जवाब करेंगे। हाँ वो तांबे का जो बर्तन है उसमें आप सुबह सुबह पानी पीजिए बहुत अच्छा है, उसको आपको गर्म करने सुबह सुबह अगर आप गुनगुना पानी पिए तो बहुत अच्छा है। अगर तांबे के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो आप लोगों को उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही पी सकते हैं। नहीं नहीं आपको गर्म नहीं करना, तांबे वाला गर्म नहीं करना है, तांबे वाले पानी को गर्म करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए दिन भर में तांबे का पानी जो पीना है वो तीन महीने तक पी सकते हैं, उसको आप गैप देना है फिर आपको तीन महीने तक पीना है ऐसे। मतलब दिन भर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, सुबह सुबह अगर पीते हैं तो हमेशा पी सकते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आपको प्राप्त हो जाएगी। पांचवा नियम, जिसको भी जीवन में अपने घुटने सलामत रखने हैं, जिसको भी जीवन भर अपने घुटने सलामत रखने हैं या जिसको घुटनों में दर्द है तो ठीक करना चाहता है तो वो हमेशा पानी बैठ कर पी, पानी हमेशा जमीन पर बैठ कर पीना है। जमीन पर नहीं पी सकते तो कुर्सी पर बैठ के पी लीजिए, वो रियायत है। इसलिए मैं भी जब भी पानी पी रहा हूँ बैठ कर पी रहा हूँ, जमीन पर बार बार बैठ जाऊँ तो आप लोग भी कहेंगे ठीक है। तो ये आपको लेकिन हमें थोड़ा सा रियायत है, आपको ध्यान रखना है कि जमीन पर बैठ कर पानी पीने का क्या कारण है। जो आपको पता है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम का कारण है इसीलिए जब आप ऐसे पानी पीते हैं खड़े होके पिया एक तो खड़े होके पिया वो गलत, ऐसे करके पिया वो गलत, तो आपके साइकिल नोट सीधा प्रभाव होता है। तो आपको हमेशा बैठ के पानी पीना है घुटने अगर सलामत रखने हैं तो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई चारा नहीं है बैठने का, एमरजेंसी है सड़क पे पानी पीना पड़ रहा है प्यास लगी है तो आपको ग्राम का तरीका ऐसे जाइए ऐसे, या फिर अगर कोई भी तरीका नहीं है आप ऐसे पानी पीजिए उनमें रखिए गर्दन नीचे करिए उसे पानी धीरे धीरे जाना है एकदम से नहीं जाना है, लेकिन जमीन पे बैठ के अगर पिए तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठ सकते कुर्सी पे जरूर बैठ जाइए, खड़े होके कम से कम पीजिए। और दूध जिन लोगों को घुटने का दर्द ठीक करना है पानी बैठकर पीना है और दूध खड़े होकर पीना है। कैसे पीना है दूध पीने का तरीका सर्दियों का टाइम है बहुत बढ़िया अच्छे से आप पी सकते हैं। दूध में हल्दी को उबालकर दूध में हल्दी रोज पीता हूँ तब के रोग नहीं होंगे, आपकी बॉडी का अगर कफ जमा है उसको निकाल देगा बाहर निकाल देगा। तो आपको जो है कफ निकालने के लिए आपको क्या करना है हल्दी का दूध कैसे पीना उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ उबालनी है, ऊपर से नहीं डालने की दूध उबालने उसको हल्दी डालना है उबालना है। एक दो दिन टेस्ट आपको लगेगा कि अजीब सा आ रहा है उसके बाद आप कर देंगे वही पर तो उसके बाद आपको अगर देसी गाय का घी है आपके पास आप हमेशा ध्यान रखिएगा भैंस का घी या विदेशी गाय का घी जर्सी होल्स्टीन फ्रीजर जितनी भी गाय हैं इनका घी नहीं चलेगा, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाती है कैंसर करने में बहुत ज़्यादा इसका रीजन है। आपको दैनिक भास्कर का न्यूज पढ़िएगा पाँच छः दिन पहले का फ्रंट पेज पर आया था A1 A2 मिल्क पता है आपको A1 और A2 दो कैटेगरी है मिल्क की, तो जो इंडियन काउ है उसका दूध है A2 कैटेगरी का जो कैंसर वगैरह करने बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प होता है, और जो A1 दूध है वो इन गायों का है जो अमूल वगैरह ये सब बिक रहे हैं। तो इनका जो दूध है सारा सारा कैंसर करने का और ये जो प्रोडक्ट है सब कैंसर और भी कई प्रॉब्लम्स हैं तो ये सब प्रॉब्लम करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है दूध जो घी है आपको एक चम्मच घी में डालकर आपको ऐसे फेंटना है जब तक आधे गिलास का एक गिलास झाड़ ना बन जाए, आधे गिलास का एक गिलास ना बन जाए इतना झाड़ बनाकर फिर आप पियेंगे तो घुटने का दर्द है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा।
लेकिन खड़े होकर पीते हैं। इसीलिए कभी हलवाई की दुकान में हलवाई ऐसे करके देता है हजारों सालों से चलता है, इसीलिए देता है वो। उसके उसके पिता ने उसको सिखाया, उसके गुरुजन से यही चलता है। उसको साइंस नहीं पता लेकिन इसीलिए कि वो अपने घरों को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये पांच नियम आपको याद रखने हैं, पांच नियम याद रखने हैं। खाने में डेढ़ घंटे बाद पानी, सिर्फ सिर्फ करके पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह उठते ही बिना खुला हुए पानी पीना और सर बैठ कर पानी पीना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना तो आप स्पेशल किचन में जाओगे बनाओगे नियम पालन करोगे ठीक है, पानी आप दिन भर पीते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ मैं पानी करके पी रहा हूँ तो मैं नियम से पी रहा हूँ, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आए, ड्रास्टिक चेंजेस। तो आप लोग इन नियमों को फॉलो करिए। एक और चीज की चाय, चाय जो है जैसे मैंने बताया कोकोनट जो है, कोकोनट कहाँ होता है? साउथ में क्लाइमेट वहां का है, हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही चाय पत्ती जो है, चाय टी कहाँ होती है? आसाम, वहां का क्लाइमेट है, वहां के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। और ये जो है यूरोप से आई चाय, ठीक है, यूरोप में जो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है तो वहां पर क्या है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो रहता है नेचुरली थोड़ा सा, तो उसको ठीक करने के लिए चाय इज ए मेडिसिन, टी इज ए मेडिसिन जो आपके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। तो जो ठंडे क्लाइमेट के लोग हैं वो पिए तो चलेगा, लेकिन हम लोग जिनका जो मैदानी इलाकों में रहते हैं थोड़ा गर्म जगह है, पर हम लोग हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो टेम्परेचर है सर ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई रहता है, नॉर्मल थोड़ा है एज कम्पेयर टू यूरोप। तो अगर हम जो चाय पियेंगे रोज पियेंगे, एक पानी की तरह पियेंगे चार ग्लास चार कप पांच कप, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा। इसीलिए हाई बीपी की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो चाय हम चाय पत्ती पीते हैं क्या? तो चाय की डस्ट पीते हैं, तो कभी कभी चाय पीना कभी कभी ठीक है, लेकिन एज ए मेडिसिन उसको पेय पदार्थ में दो मिनट में देने पर क्या आप रोज पी रहे हैं उसको रोज पी रहे हैं दो मिनट के लिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हाई को ऑलरेडी हर और ज्यादा हाई करने के लिए चाय पत्ती पीते हैं। ग्रीन टी वही लेकिन एज ए मेडिसिन वंस और ट्वाइस अ वीक That is good. जब रोज पियेंगे आप हमेशा ध्यान रखिए एक रूल मैं बताकर खत्म करूंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर से कंक्लूड द सेशन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी आयुर्वेद की चीज या कितना भी बड़ा अमृत हो या जहर हो, किसी को भी लगातार कंटिन्यू नहीं कंजम्पशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप से बहुत लोग एलोवेरा जूस आंवला जूस दो साल ढाई साल से लगातार पीते आ रहे हैं, अंदर से पीएंगे यह हेल्थी हो जाएगा, गलत। आपको कुछ भी खाना है 3 महीने दीजिए, उसके बाद आप 15 दिन गैप दीजिए, फिर 3 महीने दीजिए, फिर 15 दिन गैप दीजिए, तो आपकी बॉडी उसकी यूज टू नहीं होगी, लत नहीं लगेगी आपको। अगर लत लग जाएगी तो आप एलोवेरा जूस को 2.5 साल से पीते आ रहे हैं ये सोचकर कि आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, उसको छोड़ते या बीमार पड़ेंगे, कि आपकी बॉडी को उसको पी कर ही हेल्दी रहने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज लगातार नहीं लेनी है भले कितनी अच्छी हो। ऐसे ही आप लोग जिस एज में आप लोग हैं, आप लोगों को एक हमेशा ध्यान रखना है कैल्शियम की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की। तो आपको सब डॉक्टर्स बोलेंगे कि कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो, कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पथरी की कभी शिकायत नहीं रही है, स्टोन की प्रॉब्लम नहीं रही है, आप लोग जो पान की डलने वाला चूना रोज खाने की आदत डाल लीजिए। हाँ आप लोग कहेंगे क्या पान में डलने वाले का रीजन बता दो उसका, चूना जो है चूना इज नॉट बैड थिंग, क्योंकि जब हमने देखा कि मैं भी ये सोचा करता था कि पान में डलता है तो ये खराब चीज है, बहुत हम गलत दृष्टि से देखते थे इसको कि खराब चीज है। क्यों? क्योंकि पान अपने आप में औषधि है, लेकिन लोगों ने उसको नसुपारी कट्ठा और सब गलत से डालकर उसको फैसल बनाकर फूटने लायक चीज बना दिया है। लेकिन पान जो एक्चुअली इन्वेंशन का हुआ था वो पान और चूना मिलकर जो है वात पित्त कफ तीनों को नियंत्रित करता है। जब उसमें गुड़गंध डलेगा, सौंफ डलेगी, मिश्री डलेगा, उसमें और जो अच्छी अच्छी चीजें सब डालकर आप खाएंगे उसको तो अंदर निकलेंगे तो औषधि का काम करेगा, लेकिन जब आपने सुबह कट्ठा ये सब डाल देंगे तो ना ही बढ़ेगा, तो वो नहीं।
तो चूना जो है अगर आप घर में लाएं मार्केट दुकान से लेके आइए का जीरे के दाने के बराबर कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपकी बॉडी को चाहिए होता है, कैल्शियम की टैबलेट में वही होता है। सबसे नेचुरली अवेलेबल इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में कैल्शियम जो है वो चूने में ही होता है। और ये ध्यान रखिएगा जिस एज में आप पहुंच चुके हैं, जिस एज की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपका आपकी बॉडी जो है खाने में से कैल्शियम सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द हार्मोन्स। आपको वो जो चूना है वही एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। भले आप कितने ही कैल्शियम की कुछ भी ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नहीं करेगा। तो आपको ये फ्रीज अवेलेबल एक रुपए का इतना बड़ा पैकेट आ जाता है, बिल्कुल अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। उसको जीरे के दाने के बराबर एक गिलास पानी में घोल कर आप लेंगे, आपको कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी। और बात के लोगों को ठीक करने में बहुत अच्छा काम है, उनको मत दीजिए, उनको हम दूसरी चीज बताएंगे। उसके लिए हाशिंगार का पौधा होता है, वो आपके यहाँ नहीं देता हाशिंगार का है, बहुत अच्छी बात है। तो हाशिंगार का जो पौधा है वो बात के लोगों को ठीक करने में काम आता काम करता है। हाशिंगार का पौधा होता है, उसकी केसरिया केसरिया मीडिया से निकलती है उसकी ना, उसको आप जो पत्ते हैं उसका काढ़ा बना के आप पिएंगे, हाँ हरे पत्ते जो है उसका काढ़ा बना के आप पिएंगे, तो वो बात के लोगों को जो कैल्शियम की प्रॉब्लम पूछती है बहुत अच्छे से। और गाय का दूध, देसी गाय का दूध, ये बहुत हेल्प करता है, बहुत इजली कैल्शियम के पास सबसे इजली कैल्शियम कौन सा कैल्शियम है गाय का दूध में। अभी कुछ साथियों में अवेलेबल करवाएंगे, हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि आपको पता होना चाहिए जब भी कहीं अवेलेबल हो दीजिएगा कि कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए। स्टोर कराने की टेंडेंसी अगर आपकी बॉडी में है तो मत दीजिए, कब थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ इसमें भी 3 महीने का ब्रेक जरूर देना है, हाँ इसको आप कह रही 12 बजे से पहले ले लीजिए खाना, पहले बाद में कोई सीन नहीं है। दूध के साथ नहीं लेना है, छाछ लस्सी आप पीते हैं उसके अंदर आगे भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लेना है, उसमें मिला के लेने के तो पता नहीं चलेगा, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता। हाँ पानी में डाल दीजिए, छाछ में दही में किसी में डाल दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, डिजॉल्व करके आप जो नहीं बताया किसने ये बात कि नियम आप तोड़ सकते हैं
doesn't matter, your health is what matters. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है. अपनी वाइफ को भी कभी नहीं बोलता कि मेरा वेट करके ही खाना, अगर आप 6 बजे खाते फ्री हो तो मुझे पता होगा आप मेरी से वेट खाएंगे तो नियम तो फिर गलत हो गया ना. हम दोनों का एक दूसरे का देखना है, ये मैटर करता है. आप कोई भी आपको आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको ऐसे देखकर नंबर उसको ठीक करता है. मेरा नाम है वीरेंद्र, मेरा नंबर है 9214352033. 9214352033. There are two things to it. Quantity जो है, there is a defined formula होता है कि आपका जितना weight है उसको आप 10 से divide करके 2 से minus कर दीजिए. For example, 60 kg weight है अगर उसको 10 से divide करेंगे तो 6 minus 2 is 4 liters. As per formula. लेकिन आपकी body is the biggest indicator कि आपको कितना पानी पीता है, पीना है. जब आपको satisfaction लगेगी मैंने पी लिया है, मेरा तृप्ति हो गई, satisfaction हो गया, तो आप रख दीजिए. सुबह का टाइम एक ऐसा है जिसमें बिना प्यास के भी अगर आप एक गिलास की प्यास है 2 गिलास आप पी सकते हैं. बाकी पूरे दिन जितनी प्यास हो उतना ही पानी पिए तो बहुत अच्छा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम की वजह से हमें काम की वजह से पानी नहीं पी रहे हैं, वो नहीं करते. सुनने वाला आप कभी देखिए सुने का पानी. हाँ देखिए 70 बीमारियों को ठीक करने की ताकत है तुम्हें, विच इंक्लूड्स बच्चों की अगर हाइट आपको लगता है कि बच्चे कहते हैं हाइट बढ़ानी है उनका तो आप चूना दे सकते हो. कैसे? जैन में बोलते हैं पक्का पानी, जिसमें आप चूने को पानी मिलाते हैं वो चूना जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है. जो उल्टा का जो पानी है वो पक्का पानी बोलते हैं उसको. उस पानी को आप अगर आप चाहते हो आपके बच्चे भी बोन स्ट्रांग हो, वो फिजिकली भी अच्छे स्ट्रांग हो, हाइट भी अच्छी बढ़े उसकी, तो आप पक्का पानी पिलाने की आदत डालिए. मतलब जो मैं आपको बताया वो आपके लिए है. अदरवाइज पानी के अगर गुण बढ़ाने हैं आपने तो उसके लिए चूना आप मिला के जब सेटल डाउन नीचे हो जाए तो आप उस ऊपर के पानी को पीजिए. हाँ प्रश्न, देखिए हम लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स को ठीक करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा होता है कि आप टूथपेस्ट करना छोड़ दीजिए. क्यों? क्योंकि दांत साफ जो करने का जो नियम है वो ये है कि हमें जब भी दांत साफ करने हैं किसी कड़वी चीज से साफ करनी चाहिए. कड़वी का क्यों? कि जैसे हम कोई कड़वी चीज मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह में एकदम से बहुत सारा सलाइवा होता है और वही दांतों को मजबूत करने का बहुत बड़ा कारण भी बनता है. वो तभी होगा जब किसी कड़वी चीज से करेंगे. साथ में सुबह सुबह जब आप उठते हैं या रात में जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो जो उसका बेस होता है उसमें शुगर के बेस के लिए इसमें भी टूथपेस्ट में सॉल्ट सोडियम वाटर सल्फेट फ्लोराइड और जो शुगरी जो बेस होता है जिसकी वजह से थोड़ा टेस्टी लगे आपको मुँह में जाए तो वो थोड़ा सा आपको टेस्ट खराब ना हो तो शुगर भी डाला जाता है. तो वो डायबिटिक पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट और रात में सोने समय अगर वो यूज करेंगे तो उनकी डायबिटीज को बढ़ाने में सपोर्ट करता है, रोल प्ले करता है. तो बेटर क्या है, सबसे बढ़िया अगर आपको दांत साफ करना है तो क्या होता है कि आप अपनी देखिए पर टूथपेस्ट कोलगेट वगैरह जितनी भी जो भी कंपनीज हैं वो ऐड में दिखाएंगे कि पूरा पूरा ब्रश के ऊपर खूब सारा टूथपेस्ट लगाएंगे. लेकिन एक्चुअली में दिखते क्या है कि पी साइज लेना है आपको और तक सिर्फ 6 साल से नीचे के बच्चों को देना ही नहीं है. उनकी बहुत सी जरूरत को या अगर वो निकल जाए तो सीधा सीधा आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर या फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करिए जो भी आप चिकित्सक कंसल्ट कीजिए. इतना खतरनाक होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए दांत साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है. नीम की दातों आपको अवेलेबल नहीं होगी, करना भी नहीं आएगा, उसके लिए एक तरीका होता है करने का. लेकिन मंजन जो है मंजन जो आता है वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपकी जो यह ना मसूड़े जो है गम्स जो है इसको साफ करने की ताकत किसी ब्रश में नहीं है. आपके जो दांत की मजबूती जो है आपके मसूड़ों की मजबूती से जो है वो रिलेटेड है. आप दांत को कितना घिसते रहिए वो मजबूत नहीं बनेगा. आपको उसमें थोड़ा पीलापन हमेशा रहता है, नेचुरली दांतों में थोड़ा पीलापन रहता है, उससे डरना नहीं है, थोड़ा बहुत पीलापन रहता है. लेकिन आपको अपनी मसूड़ें मजबूत करने हैं वो आपकी उंगली ही कर सकती है. ब्रश करेंगे तो आपका छिड़ जाएगा. हमारे इंडिया में वैसे मसूड़े थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो छिड़ जाएगा. तो उंगली से जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरे मसूड़ों की मालिश हो जाएगी तो आपका जो है मसूड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे, दांत नहीं गिरेंगे. क्योंकि अमेरिका में कैप्सोलेट ये कंपनी वहीं की है,
वापस सबसे ज्यादा पॉइंट डेंटिस्ट की होती है, सबसे ज्यादा पॉइंट डेंटिस्ट की होती है, सबके दांत खराब रहते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस देश में हम लीन है वहां के लोगों के दांत कम खराब होने चाहिए, ऐसे ही अगर कोविड इतनी अच्छी है तो वहां के लोगों के दांत खराब नहीं होने चाहिए, क्यों होते हैं? 28 साल की उम्र में मेरे दांत धीरे लगे, पर लोग हैं बिल्कुल रिलीजियस थे, ब्रश करता था सुबह शाम, अब आप कहेंगे दांतों में कुछ फंस गया, तो आप इसका एक ऑल्टरनेटिव कर लीजिए कि एक थोड़ा बहुत ब्रश वैसे घुमा लीजिए, खाली ब्रश ऐसे अगर घुमाए, सॉफ्ट ब्रश पीछे घुमाइए तो जो भी फंसा हुआ दांतों में निकल जाएगा। बट आपने मसूरों की मसाज करना मत भूलिए, उससे होता है पता है क्या, आप जब इस मसूर से मसाज करेंगे ना मसूरों की, तो यहाँ पे एक जो नजर आपकी इंटेस्टाइन तक जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक बस दो आज आपकी इंटेस्टाइन की भी मालिश मसाज अपना हो रही है। तो इसीलिए ये बताया इसका भी है कि सुनने से करना है, सुनने से करना है, किसी से करना है, तो यहाँ पे कोई ना स्ट्रेसिदा इंटेस्टाइन तक जाती है। तो इसीलिए हमारे पुरुषों की मैं बहुत डिजर्व करता हूँ, और इसलिए हम लोगों को उनके ज्ञान की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। किताबी ज्ञान ठीक है, हम लोग आज के जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आता है, लेकिन पुरुषों का ज्ञान भी बहुत महत्व है। सेशन देंगे ना प्रैक्टिस के लिए स्पेशली, मैं वो फिर हम सेशन देखे आपको बता देंगे, क्योंकि उसमें आधा घंटा और लग जाएगा, एक्सरसाइज बताएंगे जो परहेज करने हैं, 6 महीने का जो वजन कैसे बनाना है, तीनों कॉम्बिनेशन है कि हम लोग तेरे लिए भेजते हैं, डायरेक्ट आपको घर में बनाना पड़ेगा, और एक सब बनाते हैं, हम चाहते हैं आपके घर में बने। तो सिंपल सर वही कारण है कि आपकी बॉडी में जो है अभी ये जो आपको जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रॉब्लम है, तो आप जो भी पानी पीने का तरीका धीरे धीरे करेंगे, और एक चीज़ हो रहा है आप जितने भी लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का नियम नहीं बना पाते, योग नहीं कर पाते, मैं योग नहीं करता एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर करता हूँ कि मैं सुबह सुबह मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं मसाज मसाज में बोलता हूँ कि सुबह सुबह बिना मकसद के वॉक करते हैं, लेकिन जब मान लीजिए मेट्रो में जाते हैं तो एस्केलेटर का इस्तेमाल करेंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, चढ़ने के लिए छोड़ी उतरने के लिए, तो आपको जहाँ भी मौका मिले सीढ़ी चढ़ने का आपकी सबसे बड़ी बात है एंड्योरेंस बनानी। जब आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने में आदत डाल देंगे तो आपने की वजह से छोड़िएगा सीढ़ी चढ़ने की आदत जरूर डाले, जब तक घूमने में आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कंडीशन जनरली मैं बात बता रहा हूँ, जितना सीढ़ियाँ चढ़ सकें कितने भी थके हों सीढ़ी जरूर चढ़िए, चाहे मेट्रो में हो चाहे कहीं भी हो, तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगा। तो मैं 9 फ्लोर पर चढ़ जाता हूँ, 9 फ्लोर तक मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लेके जाना लिफ्ट का इस्तेमाल ही ना हो, धीरे धीरे चढ़ता हूँ। एक्चुअली मेरा ससुराल शिमला में है, तो वहाँ पर मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि वहाँ पर घर सारे जैसे होते नीचे गिर जाते, तो ऊपर धीरे 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 चढ़ने का आदत मुझे पहले नहीं चढ़ पाता, ये आप हालत कर लीजिए। तो आपको ये कहना आपको एंड्योरेंस बनानी है, उस ये मत सोचिए कि आप इसलिए नहीं चढ़ सकते कि आपको प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए चढ़ना है। वो आपको धीरे धीरे आपको जब आप नीचे करेंगे ना आप 3 मिनट करिए बिना कुछ सोचे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिनको ये प्रॉब्लम है सांस फूलने का प्रॉब्लम है, वजन का प्रॉब्लम है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, एक आइडियल वेट पर पहुंचने के लिए दे रहा है कि कम से कम 1 ईयर, 1 ईयर डोंट थिंक ऑन एनीथिंग कि मेरा कितना कम हो गया, रोज वेट मशीन पर जाके चेक करना या साइज को नाप के कितना कम हो, कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो दिस नियम, इसने भी मुझसे फॉलो करेंगे क्यों, इसका नियम है आयुर्वेद का, जो बीमारी जितनी देर में आई उतनी ही देर में जाएगी, जुकाम जल्दी आता है जल्दी जाएगा, बुखार जल्दी आता है इसलिए जल्दी जाता है, ऐसे मोटापा देर में आया है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है देर में ही जाएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट, देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, वो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग कट ही बनता है चाहे कुछ भी हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 1 साल शिद्दत के साथ इन नियमों को बिना कुछ प्लस इस ब्रश करके आप फॉलो करते रहिए, आप देखेंगे 6 महीने में आपको दर्द शुरू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी जो टॉक्सिन्स खाने का आदत पड़ चुकी है उसको एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, 6 महीने में उसको ये रियलाइज होने में लगेगा कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आपकी बॉडी ये रियलाइज करेगी फिर वो कम होना शुरू होगा, देर से वेट हो जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी में सारा खराब होगा। So I think Mr. Virinder deserves a round of applause. तो देखिए आज का सेशन कैसा था? मेरे लिए सेशन का 3 पर्पस थे। पहला पर्पस था कि सभी टीचर्स को आयुर्वेद की अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं नहीं जानता है कि आप में से
जितने लोग आयुर्वेद के बारे में जानते हैं प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करें या ना करें ये आपकी चॉइस है। आज वीरेंद्र जी ने शायद 20-25 चीजें बताई हैं, आपने घर जाते हैं तो उसमें 5 याद रहेंगी, तो कल तक 1 याद रहेगी। चलो अच्छी बात है। सो इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू, बट यू शुड बी अवेयर, दिस इज ऑब्जेक्टिव। आप इस सीडी को सुनते हैं नहीं सुनते मुझे इसका कोई मतलब नहीं, बट आप ठीक होना चाहते हैं आपने डिसाइड करना है, मैंने नहीं डिसाइड करना। बट हाँ, ये जो पानी पीने का सिस्टम है या खाने पीने का सिस्टम है, जंक फूड की बात है, ये मैसेज बच्चों को पहुंचाना होगा। अगर ये प्रैक्टिस, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड।